How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the company accountancy of plus two class and issue of debentures. We will continue the second part of this video. अब हम लोग इसमें बेटा प्रोसीजर करेंगे कि डिबेंचर को इशू कैसे किया जाता है, क्योंकि जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं और डिबेंचर होते क्या हैं. तो इन दिस वीडियो वी कवर विद इशू ऑफ डिबेंचर प्रोसीजर. तो यहाँ से हम लोग करेंगे कि सेम प्रोसीजर होता है जैसे इशू ऑफ शेयर करते हैं. द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ इशू ऑफ शेयर. एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है, उस प्रॉस्पेक्टस में ही टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर आर गिवन. जैसे कि वहाँ पर हम लोग इक्विटी शेयर की टर्म्स एंड कंडीशन बताते थे कि कितने क्या क्या प्रोसीजर है, हमारा टारगेट क्या है. यहाँ पर हम इसमें प्रॉस्पेक्टस में इशू ऑफ डिबेंचर्स की टर्म्स और कंडीशन को बताते हैं. तो एज इट इज़ है सेम जैसे आप लोगों ने शेयर में किया था. लेकिन बेटा इसमें एक पॉइंट में ये फ़र्क है कि जैसे आप लोगों को वहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% अप्लाइड होता था, इसी तरह से यहाँ पर भी सेक्शन 39 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में अप्लाई होता है. या आप ये कह लीजिए कि हर तरह की सिक्योरिटी में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट अप्लाइड होगा. अब यहाँ पर जैसे शेयर में हम लोग पैसा एक साथ मंगवा भी सकते हैं और या आप लोग कॉल में भी कह सकते हैं, इसी तरह से डिबेंचर्स में भी आप कंपनी के नेचर ऑफ वर्क या रिक्वायरमेंट ऑफ फंड उसकी बात होती है. अगर उसको एक साथ पैसा चाहिए तो वो एक साथ मंगा सकती है, तब उसमें सिर्फ दो ही जर्नल एंट्रीज होंगी. और अगर वो कॉल्स में मंगवाना चाहती है, इंस्टॉलमेंट में मंगवाना चाहती है, तो वो उसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करेगी. पहले आपका एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर कॉल मनी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी. आपको ये पता ही है कि ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है और ये सेम प्रोसीजर रहता है. नाउ वी मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 15% डिबेंचर है. मैं आपको बुक के थ्रू भी करवा देती हूँ बेटे, डीके गोयल की बुक है. इसमें देखिए एक्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड इशूड 2015% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, पेबल एज फॉलो, ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹25 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ₹3,000 डिबेंचर्स. एप्लीकेशन 1600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल और एप्लीकेशन 600 वालों को 400 की हैं, और जिसमें से बाकियों को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ एक 100 डिबेंचर्स हैं जिनको उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं की. तो यहाँ पर भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे. आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया है. जैसे 15% डिबेंचर आपके 100 ईच एट पार इशूड किया है, वही सेम इसमें होती हैं एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट भी इसमें हम इसमें ऑफ़र कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन पर ₹25, अलॉटमेंट पर ₹25 और ₹50 आपके फर्स्ट और फाइनल कॉल पे. तो यहाँ पर वही सेम बनाएंगे, अप्लाइड और अलॉटेड. यानी कि लोगों ने, पब्लिक ने अप्लाइड किए 3000 शेयर्स और अलॉटेड किए हैं कंपनी ने 2000. तो 1600 को 1600 दे दिए, यहाँ पर 600 वालों को 400 और 800 वालों को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि रिमेनिंग शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिए. अब क्वेश्चन देखो पूरा कंप्लीट हो गया. यहाँ पर अब हमें एक और पॉइंट है कि 100 डिबेंचर्स ने, जिन्होंने 100 डिबेंचर्स होल्डर थे, उन्होंने 100 डिबेंचर्स थे, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल को पे नहीं किया. तो देखो यहाँ से एंट्री सेम रहेगी पहले हम लोगों ने. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर पहले प्रिस्क्राइब्ड होता है, तो उसको साथ में प्रीफिक्स की तरह ऐड करना है. जैसे यहाँ पे 15% यानी कि इन डिबेंचर्स के ऊपर 15% आपको इंटरेस्ट मिलेगा. अब वो कंपनी की पॉलिसी है कि वो पर एनम उसको दो इंस्टॉलमेंट में बांट दिया या एक साथ पे कर दिया. लेकिन यहाँ इन क्वेश्चंस में हमें उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू हैव टू ऐड द प्रीफिक्स ऑन दैट पोर्शन. तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन, वही होती थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. तो यहाँ पर 15% प्रीफिक्स हो गया, इसका यूज़ कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों ने डिबेंचर एप्लीकेशन. तो यहाँ पर 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन बनी आई है, तो आपने 3000 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 75,000 हो गई. नेक्स्ट में अब आपने इसको एडजस्ट भी करना है, तो 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
215% डिवेंचर जो कि आपके 2000 हैं, 2000 इंटू 25 तो ये 50,000। अब आपके देखो यहाँ से 600 वालों को 400 दिए हैं, इसके तो पूरे के पूरे ही हैं, तो 200 इंटू 25 5000, और आपने 800 को रिजेक्ट कर दिया है, 800 इंटू 25 20,000। तो यहाँ से आप लोगों की ये एडजस्टमेंट होगी, सेम डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्टेप आती है वो अलॉटमेंट का है, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद आपको अलॉटमेंट करनी है। 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर, यहाँ पर आपने डिवेंचर अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है डिवेंचर कैपिटल में। तो 50,000 वो कैसे, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2000 15% डिवेंचर से ना, तो 50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर 45,000। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 5,000 आपको मिल चुके हैं, पहले ही हमने स्टार्टिंग में 5,000 किए, 50 में से, क्योंकि सारा पैसा मिल गया, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे 45,000। अब हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल टू 15% डिवेंचर 1,00,000। ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, 2000 इंटू 50, 1,00,000 से ड्यू हो गई, लेकिन यहाँ पर आपको 500 शेयर्स ने नहीं दी, रिजेक्ट या फेल्स टू पे द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पे हो गए हमारे पास 500 इंटू 50, तो यहाँ पर आपको 5,000 शेयर्स पर पैसे 5,000 रुपये नहीं मिले। तो बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल 95,000। अब इसमें कैश एट बैंक में भी मिला सकते हैं आप 75,000 प्लस करेंगे आप यहाँ पर 45,000, क्योंकि 75 में से आपने 5 यहाँ पर रिसीव कर लिए थे, 20 को माइनस कर देंगे और आप यहाँ पर 95, तो टोटल आपका 1,95,000 कैश एट बैंक होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 डिवेंचर्स 12% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। तो बेटा मैंने पूरा क्वेश्चन अब आपको इसी लाइन में समझा रही हूँ। एप्लीकेशन आपको रिसीव्ड हुए हैं 6,000 के, अब यहाँ पर हमने कोई रिजेक्शन नहीं की, ना ही अप्लाइड करना, ना ही अलॉटेड करना, क्योंकि 6,000 वालों को ही हमने 5,000 डिवेंचर इशू कर दिए हैं। एप्लीकेशन के समय पर ही आपको प्रीमियम है, ₹30 की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम ऐसे इसको डिवाइड करेंगे कि एप्लीकेशन अमाउंट इज़ 25, ₹5 इज़ ऑफ प्रीमियम, और अलॉटमेंट पर 40, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 35। तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीफिक्स वही लगाएंगे 12% डिवेंचर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपने 6,000 इंटू 30, क्योंकि विद प्रीमियम भी करना है, तो यहाँ पर आपने, क्योंकि जब आपको सेकेंड वाले उसमें करते थे तो वहाँ पर प्रीमियम हम जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,80,000। ठीक है, अब इसको क्योंकि विद प्रीमियम ही रिसीव किए हैं, तो यहाँ पर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगेन यू हैव टू एंट्री फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू डिवेंचर 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। प्रीमियम एक ही बात होती है, तो आपको पैसे मिले हैं 1,80,000 के, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 इंटू 25। क्यों? क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर हमने अलग से लेना है, और डिवेंचर कैपिटल में आपने जितने कंपनी इशू करती है उतने ही पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,25,000। ठीक है, प्रीमियम कितने का है, 5,000 इंटू 5, तो 25,000, तो 1,25,000 और 25, 1,50,000 और 30,000 आपके कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, पहले आपने पैसा अलॉट किया था, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, डिवेंचर की ड्यू करनी है मनी, तो 5,000 इंटू 40, 2,00,000 रुपये, 5,000 इंटू 40 आपको सारे के सारे मिल गए, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। बेटे आप लोगों को यहाँ पर पता है कि 2,00,000 में से 30,000 मिल गए, ठीक है, तो अब आपका बैलेंस डायरेक्टली कर सकते हो, कॉल इन एडवांस का नहीं खोलना क्योंकि एक बार आप 12% डिवेंचर को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, ठीक है। आगे अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना है, तो 5,000 इंटू 35। तो यहाँ पर 1,75,000, ठीक है, आपको सारे मिली गए हैं। तो यहाँ पर अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर सारे पैसे ही मिले हैं, कोई रिजेक्शन नहीं है, तो आपका ये बन जाएगा। अगर आप लोगों ने अब बैंक में देखना है तो 1,80,000 एप्लीकेशन के आए थे, जिसमें से आपके पास 1,70,000 आपने क्योंकि रिजेक्ट नहीं किया तो 180 और 170 हो गया। हाँ जी बेटा, यहाँ से आपको कैश में बनाना है कि कितना कैश हुआ, तो 1,80,000 आपको एप्लीकेशन पे, 1,70,000 आपको अलॉटमेंट पे क्योंकि हमने 1,80,000 उसमें ले लिए हैं, और उसके बाद 1,75,000 आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो ये आपका कैश इन हैंड कैश एट बैंक हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड day.